हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ टॉपिक नाउन। तो चलिए जल्दी से जानते हैं व्हाट इज नाउन। आपका नाम, मेरा नाम, टेबल का नाम, टेक्स्ट का नाम, एवरीथिंग दैट हैज नेम इज अ नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। सो एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके साथ जुड़ गया है एनिमल्स, बिल्डिंग्स का नाम, मॉन्यूमेंट्स का नाम, रिवर का नाम, एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर के बेसिस पे देखें तो टू टाइप्स के नाउन होते हैं। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। क्या क्या काउंट कर सकते हैं हम? एग्जाम्पल चौक, यू कैन काउंट चौक। क्या नहीं काउंट कर सकते हैं? सॉल्ट, सॉल्ट काउंट नहीं होता है, वाटर काउंट नहीं होता है। और काउंटेबल तो नंबर नंबर काउंटेबल नाउन है, बहुत सारे जो हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल जैसे लिक्विड चीज़ें और सूजी और स्टार्स कांट काउंट एक्सेट्रा। तो ये सारे हो गए नंबर के बेसिस पे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ नाउन्स। नंबर वन, इट्स अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का डेफिनेट नेम। जैसे मैं एक गर्ल हूँ, बट गर्ल के साथ मेरा एक डेफिनेट नेम है। गर्ल भी एक नाउन है जो कि कॉमन नाउन है, बट जो मेरा डेफिनेट नेम है कोमल, दैट्स अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? गर्ल, रिवर, क्लास एंड नेक्स्ट चेयर, टेबल, मार्कर एक्सेट्रा। ये सारे कॉमन नाउन है, मतलब जो बेसिकली थिंग्स का नाम होता है या फिर किसी चीज़ का नाम जो कि बहुत कॉमन है। इन दोनों का डिफरेंस मैं बताऊँगी, बहुत ईजी होगा, जिससे आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि आपके प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिस्टिंग्विश किस तरह से करें। डिस्टिंग्विश करना मतलब दोनों का डिफरेंस देखना। ओके, नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है फीलिंग्स, हैप्पी, सैड, एंगर, हंगर, हंग्री, पीस, काम एक्सेट्रा। मतलब जो लोगों का फीलिंग होता है, ठीक है, मतलब उनका मूड अभी कैसा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट का दूसरा नाम हम फीलिंग्स बोल सकते हैं। फीलिंग नाउन मत बोल देना, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, बस समझाने के लिए है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब ये फीलिंग के साथ हम डिपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, इसके तो नाम में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग, किसी भी चीज़ का ग्रुप। कलेक्शन इज अ कलेक्टिव नाउन। जैसे एक स्टूडेंट, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, एक स्टूडेंट अगर हम बोले तो वो कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है, बट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है उसे हम बोलेंगे क्लास। तो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। और इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं टीम और फ्लीट, फ्लॉक, ये सारे क्या है? ग्रुप्स के नाम है। बंडल, फिर बंच, ये सारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। फिर नेक्स्ट मटेरियल नाउन। अभी आपके आसपास कुछ तो होगा जो कुछ क्या, ओके, आपका फोन ले लेते हैं, आपका फोन भी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। तो सपोज में जो ग्लास है, वो ग्लास क्या है? एक मटेरियल नाउन है। ओके, मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर जो नाम है वो कॉमन नाउन है, बट जिस चीज से ये बना है, दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन। ओके, और कपड़ा, ये जो कपड़ा मैंने पहना है,
भले ही अलग 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 नाम हो सकता है, बट बना किस चीज से है? या तो कॉटन होगा, या पॉलीकॉटन होगा, सिल्क होगा, लाइनन होगा, तो ये सारी चीज हो जाते हैं मटेरियल नाउन में, ठीक है? तो ये था इसका बेसिक डेफिनेशन। जैसे कि मैंने बताया था, इन दोनों को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कैसे करें, बहुत मुश्किल होता है समझने में व्हाट इज प्रॉपर नाउन एंड व्हाट इज कॉमन नाउन। चलिए समझाती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कितने हैं? बहुत सारे हॉस्पिटल है। अगर मैं बोलूँगी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल तो जा रही है, बट कौन सा हॉस्पिटल? दुनिया में कितने कितने सारे हॉस्पिटल है, पर्टिकुलरली कोई एक हॉस्पिटल तो है नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल है। बट अगर मैं कोई हॉस्पिटल का नाम लेके बोलती हूँ, लाइक वो GTB है, GTB हॉस्पिटल, वो क्या है? एक है, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। और अगर सेम मैं हॉस्पिटल बोलती, GTB ना बोलती, वो आ जाता कॉमन नाउन में। और अगर मैंने उसका नाम बता दिया, डेफिनेट नेम बता दिया, आप लोग नोटिस कीजिएगा, वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देती हूँ, रिवर। रिवर बहुत सारे हैं दुनिया में, लाखों करोड़ों रिवर्स हैं। बट अगर मैं बोलती हूँ रिवर ब्रह्मपुत्र, वो एक है, तो रिवर आ जाएगा कॉमन नाउन। बट मैं नाम बोलती हूँ रिवर का, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और स्कूल अगर मैं लूँ, स्कूल भी बहुत सारे, बहुत 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 सारे स्कूल्स हैं, बट मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम बताऊँ। जैसे मैं जिस स्कूल से हूँ, साइनॉट इंग्लिश मिशन स्कूल, अगर मैं उसका नाम बताऊँ तो वो गौरीपुर में एक है, लोगों को समझ में आ जाएगा कि ओके साइनॉट का ही बात हो रहा है। बट मैं अगर बोलूँगी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, कौन सा स्कूल? मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, या किसी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, या कहीं तो जा रही हूँ, किसी तो स्कूल जा रही हूँ ना। सिर्फ स्कूल जा बताने से तो नहीं होगा, मैं घर पे बोल के जाऊँगी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और मुझे आने में सपोज लेट हो जाए तो क्या होगा? लोग स्कूल 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 जाके ढूंढेंगे। बट अगर मैं बता के जाऊँ कि मैं साइनॉट स्कूल जा रही हूँ, अगर मैं लेट भी हो जाऊँ ना, तो वहाँ जाके वो पता करेंगे और मुझे मेरे बारे में एक बार में पता चल जाएगा। तो वो क्या था? डेफिनेट नेम जो मैंने बताया वो था प्रॉपर नाउन, और जो चीज बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, वो हो जाता है कॉमन नाउन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में दे दूं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, विलेज, ठीक है? अगर मैं बोलूं विलेज, सिटी या टाउन, कितने सारे विलेज है, कितने सारे सिटीज और टाउन्स है। बट सेम अगर मैं किसी विलेज का नाम बता दूं, ओके जैसे सिवान को ही ले लेते हैं, ओके तो वो क्या है, पता चल जाता है कि हाँ सिवान से है। बट मैं अगर बोलूँ कि मैं बिहार से आ रही हूँ, बिहार के एक स्टेट है, स्टेट से पता चल जा रहा है कि मैं वहाँ से हूँ। बट अगर मैं बोलूँगी कि मैं इंडिया के किसी स्टेट से आ रही हूँ, कौन सा स्टेट? स्टेट एक तो है नहीं, इतने सारे स्टेट्स हैं। बट मैं अगर स्टेट को मेंशन कर दूँ कि मैं असम से हूँ, तो पता चल जाएगा कि ओके स्टेट में असम से है। तो स्टेट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में जो डेफिनेट नेम मैंने बता दिया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया? ओके अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके तो मैं इसका एग्जांपल दे दूँ, आप लोग अपना नाम दे दो, मैं अपना नाम दे देती हूँ कोमल। कॉमन नाउन ओके मैं अपना दे देती हूँ गर्ल, ठीक है? नेक्स्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी मैं खुश हूँ सो हैप्पी। कलेक्टिव नाउन, मैं सिखा रही हूँ, दैट्स अ ग्रुप, दैट्स अ क्लास, सो क्लास मैं यूज कर रही हूँ मार्कर का, और प्लास्टिक से बना है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल। ये हो गया प्लास्टिक। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया हो, अगर ना समझ में आए तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, आप अपना डाउट ज़रूर 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 क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्लास हमारा बहुत ही जल्द आएगा, सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।